दोस्तों, पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इस दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है, साथ ही उन्हें तर्पण दिया जाता है। श्राद्ध के दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। इसी तरह कुछ और नियम हैं जिनका पालन पितृपक्ष में करना चाहिए। ऐसा करना ही पितरों का पिंडदान वाला गृहस्थ दीर्घायु यशस्वी होता है। लेकिन दोस्तों, इस दौरान कुछ बातों का ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी होता है। इस दौरान कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसका बुरा परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। जानिए इस दौरान कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के भोजन आदि में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग और दान बड़ा ही पुण्य बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तन में ही कराना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध के कार्यक्रम में गाय का घी, दूध या दही का काम लेना बेहतर माना जाता है। नंबर 4, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध में काम करता है, तो उसके घर में पितृ भोजन ग्रहण नहीं करते और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी होता है। श्राद्ध से 1 दिन पहले ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और अगले दिन खीर, पूरी, सब्जी और पितरों को कई पसंद चीजें, एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। नंबर 5, ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसे और ध्यान रहे श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी जरूरतमंद को दे दें। श्राद्ध में पितरों को तृप्ति केवल ब्राह्मण द्वारा दी जाती है, इसलिए श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराएं। पर 6, आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। जैसा अगर आप स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष है तो पुरुष ही ब्राह्मण के घर जाए और उसको निमंत्रण दे। अगर महिला है तो महिला स्वयं जाकर ब्राह्मण की पत्नी को जाकर भोजन का निमंत्रण दे। नंबर 7, श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से गाय, देवता, कौओं, कुत्तों और चींटियों को भी भोजन निकालना चाहिए। नंबर 8, श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या जरूरतमंद आए तो उसको आदरपूर्ण भोजन जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद।